हमारी ये कनेक्टिविटी और बढ़ जाएगी और हमारा यहां से जम्मू का सफर मात्र 3 घंटे का रह जाएगा। साथियों यही नहीं, इसके साथ साथ हमने बिजली के क्षेत्र में भी बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की हैं। आज की डेट में मैं ये कह सकता हूं कि हमारे पास पूरे जिले में अब उंगलियों पर गांव बसे हैं। लगभग 1 दर्जन के आसपास अभी गांव हमारे बसे हुए हैं जिनको आने वाले 1-1.5 साल के अंदर वहां पर भी बिजली पहुंचाई जाएगी। साथियों आपको पता होगा कि हमारा रेस्ट ऑयल डिस्ट्रिक्ट गोड़ा बिजली के क्षेत्र में आने वाले कुछ वर्षों में खुद कफील ही नहीं बल्कि उससे कहीं गुना ज्यादा बिजली का उत्पादन करने जा रहा है। इसमें बंगलिहार से लेकर बॉर्डर कट्ठे तक, चाहे वो रेड टेप प्रोजेक्ट हो, चाहे वो और बहुत सारे प्रोजेक्टों पर काम जो है बड़ी तेजी के साथ चल रहा है, इसके लिए भी मैं उन तमाम एजेंसियों को मुबारकबाद देना चाहूंगा और आने वाले समय में इसको टाइम पर कंप्लीट किया जाए उसका भी आह्वान करता हूं। साथियों आज के इस शुभ अवसर पर मैं आप लोगों को इस चीज के लिए भी मुबारकबाद देना चाहूंगा कि सरकार के पास काफी देर से एक VDC का फसला उस पर विचार करने की बात थी और मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा कि पिछले कल शाम को उसमें भी डिसीजन आ गया है। यहां पर 15 अगस्त से VDC का भी गठन हो गया है। अब हर VDC मेंबर को अलग से उसके अकाउंट में उसका रेवेन्यू मिलेगा। साथियों मैं इस मौके पर उन कंप्लाइंट यूथ को भी मुबारकबाद देना चाहूंगा जिनके लिए SRO 192 के तहत उनकी वेतन को बढ़ाया गया है। अब वो एक रेगुलर कंप्लाइंट की तरह तनख्वाह लेंगे। साथियों हमने अनएम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में भी बहुत सारा कार्य किया है जिसमें हमने 4,397 लोगों को एम्प्लॉयमेंट में रजिस्टर किया है। हमने मिशन यूथ के तहत 95 युवाओं को नॉट कैरियर रजिस्टर किए हैं। साथियों यही नहीं, तेजस्वी स्कीम के तहत हमने 30 महिलाओं के ग्रुपों को बिना सूद के लोन दिया हुआ है। यही नहीं, हमने सोशल सिक्योरिटी स्कीम के तहत 90,959 लोगों को रजिस्टर किया है। इसमें प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना, प्रधानमंत्री ग्राम ज्योति योजना, अटल बिहारी पेंशन योजना के तहत देश के बहुत सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को रजिस्टर किया है। हमने ई रजिस्ट्रेशन के तहत बहुत सारे रेडी फड़ी और दूसरे लोगों को भी रजिस्टर्ड किया गया है ताकि कल को अगर कोई दुर्घटना में किसी की क्षति होती है तो उसके परिवार को कुछ ना कुछ सहायता सरकार की तरफ से मिले और उसमें
102 लाख का बीमा करवाया गया है। साथियों, इसके अलावा हमने आयुष्मान भारत के तहत जो अपने आप में ही एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, जो लोग पूछ रहे हैं कि कहां का है स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा का दृश्य है, जहां पर 75वां गणतंत्रता स्वतंत्रता दिवस जो है मनाया जा रहा है, और ये सीधी तस्वीरें जो है और एक उच्च अधिकारी तक हर आदमी का 5 लाख का इंश्योरेंस करवाया गया है और हर आदमी उसका लाभ ले रहा है। आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 वर्षों के तहत जिला डोडा के हमारे बहुत सारे लोगों ने इस चीज का फायदा उठाया है। साथियों, महकमा रूरल डेवलपमेंट की तरफ से बहुत सारे कार्य गांवों की लोगों की सुरक्षा के लिए, लोग गांवों से शहरों की ओर पलायन न करें, उसके लिए बहुत सारे कार्य हुए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना का जिक्र करना मैं यहां पर नहीं भूलूंगा। हमने पिछले कुछ वर्षों में 12,000 से अधिक लोगों को पीएमएवाई के तहत घर दिए हैं, जिनमें 10,328 घर जो है वो कंप्लीट हुए हैं, और प्रधानमंत्री आवास प्लस में और 6,123 घरों को हमने उसकी पहली किस्त दी हुई है, और आने वाले समय में और भी मुस्लिम लोगों को इसका लाभ पहुंचाया जाएगा। साथियों, आज के इस शुभ अवसर पर मैं आप सब लोगों से ये निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरीके से आप लोगों ने इस तिरंगा अभियान को यहां पर सफल किया है, उसी तरीके से आने वाले समय में इस जिला डोडा में यहां के हालात, यहां पर टूरिज्म को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए, यहां पर अनएम्प्लॉयड युवाओं के लिए किस तरीके से कार्य किया जाए, उसमें आप सब लोगों का सहयोग और समर्थन मैं आपसे मांगता हूं। साथियों, आने वाले समय में हमारा डिस्ट्रिक्ट पूरे जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से हर क्षेत्र में नंबर 1 पर आ रहा है, आने वाले समय में इसको ऐसे ही नंबर 1 पर रखा जाए, उसके लिए तमाम युवाओं से, बच्चों से, बेटियों से, यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन में लगे हुए सब ऑफिसरों से ये मेरी निवेदन रहेगा कि वो यहां पर अपनी सर्विसेज को बड़ी ही ईमानदारी, बड़ी ही चुस्ती और बड़ी फुर्ती के साथ यहां पर लोगों को सर्विसेज दी जाए, उसकी कामना करते हुए मैं एक बार फिर आप सब लोगों को आपके इस विशेष दिन पर अपने दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं। जय हिंद। ये पकड़ो। मेहमान एक खुशी का तो आपके नाम किताब था ये के बाद परेड को पूछ करने की इजाजत। ये सीधा प्रसारण जो है आप स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा से देख रहे थे, जहां पर लगातार बारिश भी हो रही है एक तरफ से, और दूसरी तरफ जो है
धरंतर सिंह जो चेयरमैन है डीडीसी, वो जो है यहाँ पर जो है परेड करवाई थी यहाँ पर, यानी चीफ गेस्ट थे और इसके साथ जो है आप वो थे। और सामने की तस्वीरें आपको दिखा दूं जहाँ पर लगातार जो है बारिश काफी तेजी से हो रही है और तस्वीरें लगातार आप देख सकते हैं जहाँ पर स्पोर्ट्स स्टेडियम की जहाँ पर लगातार खचा कर स्टेडियम जो है लोगों का जोर जो है काफी तेजी से बढ़ा हुआ है और लगातार लोग जो है इसमें बढ़ चढ़ कर जो है हिस्सा भी ले रहे हैं। और ये सामने की तस्वीरें कुछ समय के बाद जो है यहाँ पर परेड भी शुरू हो जाएगी और पूरी परेड की तस्वीरें जो है आपको पूरी स्पोर्ट्स स्टेडियम में दिखाने की कोशिश भी करें। फिलहाल देखते रहिए जम्मू परिवर्तन, मैं विकास मन्हास, जोड़ा।